हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो इस एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें बेटा कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ जानते हैं, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स की वैल्यू बताने में हमें हेल्प करता है। और कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला 1/4πε0q1q2r2, थोड़ा लंबा लिखता है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं के q1q2r2। वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं क्रॉस वेक्टर r, वेक्टर आर के मोड का क्यूब। यहाँ बेटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर फोर्स पॉजिटिव आ रही है वेक्टर फॉर्म में, इसका मतलब ये फोर्स जो है रिपल्सिव है। और अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब फोर्स जो है अट्रैक्टिव है। ध्यान रखिएगा इसमें के जो है बेटा ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसी को 1/4πε0 कहा है। इसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। और एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू 8.85×10⁻¹2 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ध्यान रखिएगा वैल्यू और यूनिट दोनों इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आपको जरूरत पड़ जाती है। दिस इज कूलम्ब लॉ। इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जानते हैं आप लोग, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि मेरे पास एक चार्ज है, ये इतने रीजन में किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिस्टेंस को मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको लिखूंगा F/Q0। वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला बनेगा KQ/r2 या फिर 1/4πε0Q/r2। वेक्टर फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका KQ×r/r के मोड का क्यूब। वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन जो इसकी होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ठीक। अच्छा यूनिट की बात करें तो यूनिट यहां दिखाई दे रही है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम्ब, तो यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम्ब। एक और यूनिट इसकी होती है वोल्ट पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-3A-1, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग शेप्स का पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जैसे रिंग के लिए बहुत पूछा जाता है, तो रिंग का हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हमारे पास कोई रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मेरे पास एक रिंग है, रिंग का रेडियस आर है, सेंटर ओ है, एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, प्लस क्यू चार्ज पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा KQ×r2+x2^3/2। सेंटर पे x की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखिएगा सिस्टम की होती है, कभी भी अकेले चार्ज की नहीं होती, तो कम से कम दो चार्ज तो होने चाहिए जब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 / r।
या फिर वही 1/4 pi epsilon naught q1 q2 बाय r स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी एनर्जी स्केलर भी होती है, यह भी स्केलर ही है। अच्छा स्केलर है, यूनिट की बात करें यूनिट बटा जूल या फिर इसकी सीजीएस, विच जूल है ये एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सीजीएस यूनिट की अर्व होती है 1 joule = 10^7 अर्व होता है या 1 अर्व = 10^-7 जूल होता है। अच्छा इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कई बार पूछ ली जाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10^-19 कूलम होगा। आया क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कोई भी एनर्जी हो ML2T-2 होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सिंगल चार्ज का होता है, उसके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल चार्ज के लिए होता है, किसी पॉइंट का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी से डिनोट करते हैं, ये फॉर ए पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे, हर पॉइंट का अपना पोटेंशियल होता है। इसका फॉर्मूला के क्यू बाय आर या फिर वी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू बाय आर। इसको मैं कह सकता हूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अच्छा यूनिट की बात करें, ये भी स्केलर है, यूनिट इसकी जूल पर कूलम, इसको वोल्ट भी कहते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ML2T-3A-1 होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, फोर्स हो गया बेटा, फील्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल हो गया। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ज्यादा डिटेल पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं वन शॉर्ट सीरीज में, तो इसमें हम सिर्फ फॉर्मूले स्टडी करेंगे ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सके। इसके आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, डाइपोल जब मैं दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ सेपरेशन के अरेंज कर दूंगा तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ध्यान से, एक चार्ज नेगेटिव एक चार्ज पॉजिटिव दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर रखे हुए हैं, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। अच्छा आप देखिए जरा, अरेंजमेंट है एक तरह का, इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी हम स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बेटा इसका q × 2l, एरोहेड लगा दिया तो आप समझ गए होंगे वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन इसका हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। इसके बाद यूनिट की बात करूं तो चार्ज के लिए कूलम, लेंथ के लिए मीटर, यूनिट इसकी कूलम मीटर होती है। और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला ATL, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसमें डायपोल में बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, टॉर्क कितना लगेगा, वर्क डन कितना होगा, उन सब की बात करें तो सबसे पहले इसमें स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। कई केसेस हैं, ऑन एक्सिस फॉर्मूला निकाले तो ये होता है बेटा 2kp/r, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें विशेष बात कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पैरेलल होता है डाइपोल मोमेंट के। दूसरा केस ऑन इक्वेटोरियल लाइन या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है kp/r।
आर क्यू। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एंटी पैरेलल होगा, विपरीत दिशा में होगा डाइपोल मोमेंट से। और बाकी आपको दिख रहा होगा एक्सियल फील्ड जो दोगुना है इक्वेटोरियल फील्ड का, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, या फिर हम कह सकते हैं ई इक्वेटोरियल इज हाफ ऑफ ई एक्सियल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, इसी में एक तीसरा केस बन जाता है एनी पॉइंट। एनी पॉइंट कहने का मतलब एक ऐसे पॉइंट पर फील्ड जो कि ना तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, ना ही तो अक्ष पे है, और ना ही इसके इक्वेटोरियल लाइन पे है। जैसे कि ये मेरा डाइपोल है, ये सेंटर है, तो यहां से आर डिस्टेंस पे कहीं एक पॉइंट भी है थीटा एंगल पे, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका फॉर्मूला के पी अपॉन आर क्यूब 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा का, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन फॉर्मूले बनते हैं, इसके बाद हम डाइपोल के लिए पोटेंशियल पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसमें भी तीन केस बनेंगे यही वाले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पहला केस ऑन एक्सिस, एक्सिस पे निकाल लें तो वी एक्सियल के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है, या आइडियल डाइपोल है तो हम लिख सकते हैं के पी अपॉन आर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी या डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो होता है। डायग्रामेटिकली अगर देखें तो ये मेरा डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसका सेंटर O, एक तरफ की लेंथ L, दूसरे तरफ की लेंथ भी L और टोटल लेंथ 2L, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस लाइन पे कभी भी कहीं भी हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि पोटेंशियल जीरो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो रहेगा। एक ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कई बार आइडेंटिफाई करना पड़ जाएगा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां बनेगा, तो ऐसा बनेगा, इस पे फील्ड कुछ ऐसा रहेगा, इसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये दो केसेस हो गए। तीसरा केस वही बन जाएगा एनी पॉइंट वाला। देखिए तीसरा केस जो बनेगा फिर से वही, एक ऐसा पॉइंट है जो कि ना तो एक्सिस पे है और ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सेंटर O, सेंटर से एक तरफ की लेंथ L और दूसरी तरफ की लेंथ भी L। यहाँ एक पॉइंट ले लिया P जो कि r डिस्टेंस पे है, यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है, तो पोटेंशियल जो होगा हमारा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस, है ना, इसको ऐसे रहने दिया जनरल बाय आर स्क्वायर, जनरल अलग है आइडियल अलग है, ये वाला एक और फॉर्मूला होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये वाला याद करेंगे आप। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। इसके बाद टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, हिंदी में कहते हैं बलागुण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें मैंने डाइपोल रख दिया, या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी F is equal to minus QE, और पॉजिटिव पर लगेगी F is equal to plus QE। ये दोनों फोर्सेस इसको घुमा देंगे, रोटेट करा देंगे, ठीक है, बलागुण डेवलप कर देंगे, टॉर्क डेवलप कर देंगे। टॉर्क हम लोग जानते हैं
आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो हमारे पास है क्यू ई और डिस्टेंस 2l sin थीटा, तो टॉर्क निकल के आता है पी ई sin थीटा, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ध्यान रखिएगा टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा पी के और टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा ई के, ऑलवेज जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगी ऐसा ही होगा। ठीक है, इसमें और कुछ विशेष बातें पढ़ सकते हैं जैसे क्या होगा टॉर्क के केस में, देखो हमने पढ़ा टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, या मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसमें तीन केस बन सकते हैं, थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री या थीटा 90 डिग्री। कहने का मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस केस में एंगल जीरो बन गया, टॉर्क आप जानते हैं पी ई साइन थीटा, तो मैं लिखूंगा पी ई साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो की वैल्यू जीरो तो टॉर्क जीरो, यहां पी ई साइन 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू जीरो तो टॉर्क फिर से जीरो, यहां पी ई साइन 90, साइन 90 जो है उसकी वैल्यू वन होती है मैक्सिमम, तो इस केस में टॉर्क भी मैक्सिमम रहेगा। जब टॉर्क जीरो हो गया तो हम कहेंगे कि हमारा डाइपोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, साम्यावस्था में आ गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कई तरह की होती है, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। अब फर्क क्या है, टॉर्क तो दोनों में जीरो है लेकिन एक में स्टेबल एक में अनस्टेबल, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहा जाता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा माइनस पी ई कॉस थीटा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और जब मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इस पर काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ये टॉर्क की बात हो गई, वर्क डन। जब टॉर्क लगेगा यानी कि बलावन लगेगा तो डाइपोल घूमेगा, घूमने में डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, तो कुछ कार्य होगा, वर्क होगा। तो वर्क कितना होगा, उस वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, काफी क्वेश्चन वर्क पे बन जाते हैं। वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी भी बताई थी, फिर बता देते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा। ये डाइपोल के फॉर्मूला, नौ फॉर्मूला है डाइपोल में, ध्यान रखिएगा। तीन इलेक्ट्रिक फील्ड के, तीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, एक टॉर्क का, एक वर्क का, पोटेंशियल एनर्जी का, नौ फॉर्मूले कवर कर लीजिएगा। इसके आगे बात करें, इसके आगे हम पढ़ेंगे और कौन से फॉर्मूले आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। डॉट हटाएंगे तो कॉस आ जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, या जस्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ये बेटा स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। ठीक, इसके अलावा गॉस थ्योरम पढ़ सकते हैं जिसको गॉस लॉ भी बोलते हैं। ये हमें हेल्प करता है किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। अगर अंदर चार्ज क्यू है तो गॉस थ्योरम से कहती है फ्लक्स जो होगा वो q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ध्यान रखिएगा q नेट इनसाइड द सरफेस, नेट चार्ज चाहिए, अंदर का चार्ज चाहिए, बाहर जो अगर कोई चार्ज है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे।
इसके अलावा कुछ और चीजें, इनफाइनाइट लेंथ के वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, वो भी याद कर ले तो बेहतर होगा। जैसे कि अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, तो एक टर्म इस्तेमाल होती है, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्डा से नोट करते हैं क्यू बाय एल होता है, ठीक। तो इसके लिए मैंने लैम्डा मान लिया, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर डिस्टेंस पर मुझे चाहिए यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा बाय टू बाय एप्सिलॉन नॉट आर, ध्यान रखिएगा, ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है कि सेमी सर्कुलर वायर है अगर हमारे पास, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उस पर भी इतना ही होता है। अगर मेरे पास कोई सेमी सर्कुलर वायर है, नीचे का मैं रिमूव कर देता हूं, ये सेंटर, यहां से इसका रेडियस आर, तो यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए एट पॉइंट ओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा ड्यू टू सेमी सर्कल, ठीक। अच्छा, इसके अलावा इनफाइनाइट एरिया की अगर कोई हमारे पास शीट है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सपेंशन या फिर एरिया, अगर कोई शीट है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा से नोट करते हैं सिग्मा क्यू बाय ए। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा मान लूं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट दोनों का, ठीक। इसी में एक और टॉपिक बन जाता है, दो शीट्स के बीच का फील्ड कितना होगा। मेरे पास अगर दो शीट्स हैं, बहुत जगह पूछा गया क्वेश्चन, एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक शीट पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सिग्मा, इसकी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, तो रीजन के नाम दे देते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा आउटसाइड शीट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, दोनों शीट एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देती है, तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन यहां पे दोनों का ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इस पर। इसके अलावा जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग, वो स्फीयर के अंदर पूछ लेते हैं, स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, जैसे ठोस भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है, तो दोनों के लिए फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, उसके फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, एक स्फीयर ले लिया मैंने, रेडियस इसका आर है, सेंटर इसका ओ है, और ये सॉलिड है, ध्यान रखिएगा सॉलिड है,
इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें कई सारी कंडीशन बन जाएंगी, जैसे अंदर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा और बाहर कितना होगा। बारी बारी तीनों के लिए बात करेंगे। अंदर यहाँ पे पॉइंट ले लिया P जो कि r डिस्टेंस पे है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा K Q r ओवर r Q। ध्यान रखिएगा प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, दूरी पे निर्भर करता है और समानुपाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फील्ड बढ़ रहा है। सरफेस पे आके r की वैल्यू r हो जाती है, इसी फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा K Q बाय r स्क्वायर, और बाहर आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यूब बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा ग्राफ अगर बनाए तो हम देख सकते हैं अंदर तो लीनियरली बढ़ रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फील्ड बढ़ता जा रहा है, सरफेस पे आके मैक्सिमम हो गया और फिर घटना शुरू हो गया। यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर पे इक्वल है, ये दूरी और ये हमारा फील्ड, ये इनसाइड और ये आउटसाइड, यहाँ E proportion to R, यहाँ E inversely proportion to R square, ये maximum value K Q by R square। ये हमने पढ़ा solid sphere के लिए electric field कहाँ होगा कितना होगा, अंदर surface पे और बाहर, तीनों ध्यान रखिएगा, graph याद रखिएगा, important है। इसके बाद हम solid की बजाय hollow sphere पढ़ सकते हैं, तो देखते हैं। हॉलो स्फीयर अंदर से खोखला है, कुछ नहीं है इसके अंदर, रेडियस इसका आर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अंदर की बात करें बेटा, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज हमेशा कंडक्टर्स के सरफेस पे एक्यूमुलेट करता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, और जब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो अंदर कोई फील्ड भी नहीं होगा, हमेशा हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। सरफेस की बात करें तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट्स इट। और आउटसाइड बाहर की बात करें तो ये के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, अगर आर दूरी पे मैं निकालना चाह रहा हूं बी पॉइंट, तो इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ अंदर तो बेटा कुछ है ही नहीं, उसके बाद सरफेस पे फील्ड आता है फिर घटना शुरू हो जाता है, ये आर ये ई ये आर इज इक्वल टू आर, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये सब ग्राफ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टडी कर लिया सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं ऐसे सॉलिड स्फीयर के लिए और हॉलो स्फीयर के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, देखिए मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस इसका आर है, पोटेंशियल चाहिए मुझे, तो अंदर मुझे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा के क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर टू आर क्यू। ये सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इसमें सेंटर पे भी पूछ लेते हैं, तो एट सेंटर आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी और फॉर्मूला थ्री बाय टू के क्यू बाय आर हो जाएगा। ठीक, बाहर बात करें या सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर रहेगा और बाहर आउटसाइड फॉर्मूला के क्यू बाय स्मॉल आर रहेगा। ग्राफ अगर मैं दिखाऊं इसका तो
अंदर ज्यादा है फिर कम होना शुरू होगा, इस तरह का ग्राफ बनता है बेटा। ये पोटेंशियल सेंटर पे आके आर इज इक्वल टू आर सेंटर पे 3k³/2r, या स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, और ये आपकी स्मॉल क्यू कैपिटल की जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। ये सरफेस पे वैल्यू k³/r, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। जैसे सॉलिड स्फीयर का पढ़ा वैसे हॉलो स्फीयर का पढ़ सकते हैं। देखिए हॉलो स्फीयर के लिए, देखिए हॉलो स्फीयर के लिए अंदर पोटेंशियल k³/r होता है बेटा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं E is equal to minus dv/dr फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा इनसाइड हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट। किसी चीज का अवकलन तभी शून्य होता है जब वो नियत हो जाए, है ना। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। अच्छा ये इनसाइड की बात मैं कर रहा हूं, सरफेस पे भी यही फॉर्मूला होगा। तो एक चीज देखने को मिली कि सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और आउटसाइड की बात अगर मैं करूं तो V इज इक्वल टू k³/r, यानी कि ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, पहले कांस्टेंट फिर घटना शुरू हो जाएगा। इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले हमने पढ़े, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लें। कूलाम्स लॉ पढ़ा बेटा हमने, कूलाम्स लॉ में हमने देखा कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगती है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, परमिटिविटी की वैल्यू याद होनी चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, और जो कॉन्स्टेंट है हमारा 1/4πε₀ उसकी वैल्यू और यूनिट पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, रिंग की वजह से k³/r² + x²³/3/2 सेंटर पर जीरो हो जाता है। इसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, पोटेंशियल पढ़ा, उसके बाद डाइपोल के 9 फॉर्मूले हमने पढ़े, डाइपोल पे 3 फील्ड के, फिर 3 पोटेंशियल के, एक बार एक टॉर्क और एक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने पोटेंशियल के बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ा हमने, उसके बाद ये सॉलिड और होलो स्फीयर के लिए फील्ड और पोटेंशियल हमने पढ़े। आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी बेटा उसमें हम आपको कैपेसिटर्स के फॉर्मूले का रिविजन कराएंगे। एग्जाम आपका नजदीक आ रहे हैं, आई होप आप अच्छा ही करेंगे, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट।